हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जैन और आज मैं आपको एक न्यू स्लीव्स डिज़ाइन बताने जा रही हूं। जैसे कि आपने रिक्वेस्ट की थी कि इस टाइप की ये येलो कलर की स्लीव्स है, इसका वीडियो आप अपलोड कीजिए। तो ये 75 सेंटीमीटर का मेरे पास पीस है और उसमें से मैंने 38 साइज़ के फ्रंट और बैक निकाल लिए हैं। अब इसमें से हमें स्लीव्स निकालनी है और चूंकि इस टाइप की जो स्लीव्स होती हैं उसमें से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा ही लगता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से बॉर्डर को अलग कर लेना है। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन है, इसके हाफ इंच ऊपर से मैं बॉर्डर को कट कर लूँगी। देखिए, इस बॉर्डर को हम बाद में स्लीव्स में लगाएंगे। अब आपके पास जो कपड़ा है उसे हम मेज़र कर लेंगे। तो ये देखिए, दो स्लीव्स के लिए मुझे इतना कपड़ा मिल जाएगा और इसकी यहाँ से लंबाई है 7.5 इंच, उसमें से हम ये बॉर्डर लगा लेंगे तो ठीक ठाक स्लीव्स बन जाएगी। अब 7.5 इंच का यहाँ से ये डबल आ रहा है 14 इंच, मैं 12 इंच तक ले लेती हूँ। तो इसे मैं भी एक साइड रख दूंगी। पहले हम इस स्लीव्स को पेपर पर कट करेंगे जिससे हमारा कपड़ा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हो। ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब इस सेंटर पॉइंट के दोनों साइड हम 4-4 इंच का निशान लगा लेते हैं। 1-2-3-4, यानी 1-1 इंच का गैप मैंने लिया है। 1-2-3-4, 1-2-3-4, ओके। अब यहाँ से इस प्लेट्स को मैं इसके ऊपर रखती जाऊँगी। ये चारों प्लेट्स मैंने लगा दी और इसे मैंने पिनअप कर लिया। इसी तरह से यहाँ से हम प्लेट्स ले लेंगे। आप चाहें तो ना 1.5 इंच की प्लेट्स भी ले सकते हैं, मैंने 1-1 इंच की ली है। तो देखिए, यहाँ से हमें इसमें सिर्फ प्लेट्स लेनी है और इस साइड से नहीं लेनी है। तो यहाँ से मैं इसे इस तरह खोल देती हूँ। अब मेरी जो ये वाली स्लीव्स है इसे मैं यहाँ रखूँगी इसके सेंटर पर और इसे मार्क कर लूँगी। अभी आप एक रफ मार्क ले लीजिए और इसे हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं। ये थोड़ी एक्स्ट्रा कट मैंने कर ली है। अब इसे बिल्कुल हम इस तरह सेट करेंगे और इसके ऊपर मैं अपनी ओरिजिनल स्लीव्स, जो मैंने ये सेंटर है, सेंटर से सेंटर मिलाकर अब मैं इसे परफेक्ट वैसी कट करूँगी जैसी ये है। तो देखिए, बिल्कुल इसके बराबर की मैंने स्लीव्स कट कर ली। अब पिन हम निकाल लेते हैं। ये स्लीव्स का डिज़ाइन आ गया है। अब देखिए, ये इस तरह का है। तो आपको अपने कपड़े पर सेम यही स्लीव्स कट करनी है। अब देखिए, यहाँ पर मेरा कपड़ा थोड़ा सा नाजुक है ना, अगर अच्छा कपड़ा हो ना, हैवी मटेरियल, तो आप सिंपल इसी से बना सकते हैं, लेकिन मेरा कपड़ा चूंकि थोड़ा नाजुक है तो मैं पहले इसे लाइनिंग पर कट करूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, पेपर का काम ख़त्म हुआ, अब हम कपड़े पर इस स्लीव्स को कट कर लेंगे। तो ये मैंने कपड़े पर कट कर ली। अब यहाँ पर जो हमने ये साइन लगाए थे ना, ये साइन मैंने लगा लिए हैं। यहाँ पर हल्के हल्के हम नॉचेस लगा लेंगे। अब सेम आपको यहाँ पर फैब्रिक पर करना है। यहाँ पर मैंने इसे पिनअप कर लिया। अब इसे इसके ऊपर आप सेट करिए और हम इसे भी पिनअप कर लेंगे। बस अब यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, सबसे जो टफ काम है ना वो आपका कंप्लीट हो चुका है, स्लीव्स की कटिंग करना। अब बहुत ही इजी वर्क रह गया है। अब इन दोनों को इसके साथ एज इट इज़ मुझे सिल लेना है। तो यहाँ हमने दोनों फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब इसका जो ये निशान था ना, इस जगह पर हम मेन फैब्रिक से भी निशान बना लेंगे। तो यहाँ पर ये सेंटर का निशान है। अब देखिए, ये वाला कट है ना, इसे उठाकर मैंने यहाँ रखा, उसके बाद सेकंड, फिर ये थर्ड और ये फोर्थ। सेम इसी तरह से यहाँ से उठाया। तो मैं इसे सिल लेती हूँ।
यहाँ से ये प्लेन है और यहाँ से ये, इस पर अभी मैं जब प्रेस कर दूंगी तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब आपको इसकी पट्टी लगानी है, तो यहाँ जो बॉर्डर है उसके हम कर लेंगे दो हिस्से, और यहाँ पर चूंकि मैंने कोई शेप नहीं दी थी तो यहाँ मैं शेप लगा लेती हूँ। 8.5 इंच की मैं यहाँ पर शेप लगा लूँगी। इसी तरह से दोनों स्लीव्स में हम शेप लगा लेंगे। और अब इसमें बॉर्डर लगाने के लिए मैं इसके साथ एक कपड़ा अटैच करूँगी कॉटन का। तो ये हमने कपड़ा अटैच कर लिया है इसके साथ। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ हम इन दोनों को इस तरह से फोल्ड करेंगे और प्रेस कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे प्रेस कर ली कर कर दोनों पट्टियों को बराबर से फोल्ड कर लिया है। अब आप इसका जो सेंटर है यहाँ से इसे हम बीच में रखेंगे और इससे इसको बंद कर देंगे। इस तरह से मैंने इसे पिनअप किया। अब चूंकि मेरा बॉर्डर कम है लेकिन ये फिटिंग मेरी यहाँ से जाएगी तो मेरा आ जाएगा कपड़ा। देखिए इस तरह से मैंने पिनअप कर लिया। आपका अगर बॉटम ज़्यादा हो तो आप इस बॉर्डर को पूरा बड़ा कर लीजिए। मेरा बॉटम यहीं तक है तो मैंने इसलिए इस बॉर्डर को उतना ही ले लिया है। ये देखिए, आप चेक कर लीजिए, फ्रंट और बैक में पूरा एक जैसा होना चाहिए दबाव में। अब हम यहाँ से सिलाई लगा देंगे इसमें। तो देखिए यहाँ से स्लीव्स में बॉटम अटैच हो गया है। मैं इस पर एक सिलाई और लगा देती हूँ। तो इसी तरह से मैं दोनों स्लीव्स रेडी कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों स्लीव्स रेडी हो गई हैं। अब यहाँ पर मैं इसकी मैचिंग के दो बटन लगा दूंगी और अब मैं इसे लगाती हूँ अपने ब्लाउज में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसे ब्लाउज में लगा लिया है और देखिए ब्लाउज का ये लुक आया है। बहुत ही अच्छा इसका डिज़ाइन है। और जैसा कि आजकल स्लीव्स में डिज़ाइन चल रहे हैं तो आई होप आपको भी ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर आपको इसका डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, पेज को फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।